अस्सलाम वालेकुम, देसी होम कुकिंग से मरियम शहजाद का सलाम हो। आज हम आपको बालों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त सा मास्क बनाना बताएंगे जो कि हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा शाइन करेगा, बाल जो रूखे हो जाते हैं इनको ठीक करेगा। तो चलें फटाफट से हम मास्क की तैयारी करते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। यहाँ पर हमारे पास एक अदद अंडा है, ये बालों की लेंथ के हिसाब से होगा। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपको एक अंडा लेना होगा, अगर लंबे हैं तो आप ये देखें दो अंडे भी आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमारे पास लेमन है, हमारे पास अगर आपके पास जूस है लेमन तो वो आप इसमें डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून। साथ ही यहाँ पर हमारे पास बेसन है, ये भी हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून। साथ ही दही है, ये भी हमारे पास 1 चम्मच भर के हमने लिया। जैतून का तेल हमारे पास है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। अंडे को हमने ये देखें बीट कर लेना है अच्छे तरीके से। अब दही को और बेसन को हम इसमें डाल देंगे, लेमन को हम बाद में काटते हैं। ये देखें दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को हमें मिक्स करना है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हमने बेसन को, दही को और अंडे को हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया। साथ ही हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे, सीड जो है इसके हम निकाल देंगे। और अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें जैतून का तेल जो है ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से बीट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें ऑयल जो था ये भी हमने इसमें डाल दिया। ये देखें ये गाढ़ा सा ये पेस्ट जो है ये तैयार हो गई। इसको अब आपने अपने सर पे, रूट्स पे अच्छे तरीके से आपने इसको लगा लेना है। कवर करके आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको रखना है, और 10 मिनट के बाद आप अपने बालों को धो लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके कुछ ही हफ्तों में बाल जो हैं आपके बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये मास्क, ये टिप जो है वो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। आपके साथ फिर किसी नई रेसिपी, किसी नई टिप के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।